स्नो व्हाइट और रोज रेड। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे के छोटे से गांव में एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उनके नाम थे स्नो व्हाइट और रोज रेड। स्नो व्हाइट बहुत ही शर्मीली और दयालु इंसान थी और रोज रेड बहुत ही ऊर्जावान और शरारती। हर बार अगली शरारत तलाशती रहती थी। ध्यान रहे रोज, इतनी तेजी से नहीं। मैं ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। हमने तुमसे कहा था ना। स्नो व्हाइट और रेड रोज हर दिन अपनी माँ की मदद करती घर के कामों में, और दिन के अंत में उनकी माँ परियों की कहानी सुनाती। ये उनकी सामान्य दिनचर्या भरी जिंदगी थी सर्दियों की शुरुआत तक, जब हालात दिलचस्प होने लगे। एक रात श्रीमती व्हाइट अपनी बेटियों को कहानी पढ़कर सुना रही थी। उन्होंने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। तीनों की तीनों चौंक गई। उन्होंने घबराकर दरवाजे की ओर देखा और इस बात से चिंतित हो गई कि उसके दूसरी ओर कौन है। चिंता मत करो मेरी बच्चियों, ये कोई यात्री होगा जिसे दिशा निर्देश की जरूरत होगी। मैं जाकर देखती हूँ। नहीं माँ, ये मैं करूँगी। हे भगवान, ये क्या है? हे भगवान, ये क्या है? कृपया चिल्लाना बंद कीजिए, मैं बस एक भालू हूँ। कृपया खामोश हो जाइए, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। मुझे बस थोड़ी मदद की जरूरत है। मुझे ठंड लग रही है और मैं भूखा हूँ। सबके सब ने चिल्लाना बंद कर दिया जब भालू बोलने लगा। वो दूसरे भालुओं की तरह नहीं था, उसकी आवाज विनम्र थी। क्षमा करना, कृपया अंदर आ जाइए। तीनों ने उसकी ओर देखा और उसे अंदर आने दिया। तुम बर्फ से ढके हो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ओह, ये क्या कर रहे हो? नहीं, मत करो। नहीं, बंद करो ये सब। नहीं नहीं। ठीक है, बस काफी हो गया। अब तुम दोनों उसे कुछ गर्म पीने दो, उसे कंबल दो रोज। उस रात एक दोस्ती बन गई जो पूरी सर्दियों तक चली। हर दिन भालू उनके घर आता और उनके लिए उपहार लाता। वो अंगीठी की गर्माहट उससे साझा करते और उसे कहानियां पढ़कर सुनाते। दोनों ही उसका साथ पसंद करती। तब जैसे जैसे समय गुजरा, सर्दियों का अंत हो गया। अब उसके जाने का समय आ गया था। यदि ये जादू ना होता तो मैं तुम दोनों से नहीं मिलता। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा जादू? तुम मत जाओ, हमारे साथ रहो। मुझे जाना होगा। उस हर चीज के लिए धन्यवाद जो तुमने की, पर अब जबकि सर्दियाँ खत्म हो गई हैं, मुझे जाना होगा। और फिर वो चला गया, अपने उन दोस्तों को पीछे छोड़कर जिनसे वो इतना प्रेम करता था। कुछ दिनों के बाद स्नो व्हाइट और रोज रेड जंगल से गुजरी फल और लकड़ियां चुनती हुई। अचानक ही उन्होंने अजीब चिल्लाहट सुनी जो उनके सामने से आ रही थी। वो आवाज के पीछे गई और कुछ अजीब नजारा देखा। एक बौने की लंबी दाढ़ी एक गिरे हुए वृक्ष में फंस गई थी, जब वो हताश होकर ऊपर नीचे कूद रहा था। बकवास दाढ़ी और सत्यानाश हो इस वृक्ष का। तुम दोनों घूरना बंद करो, यहाँ जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। उन्होंने अपनी चीजें नीचे फेंकी और दोनों ने मिलकर पेड़ को उठाने की कोशिश की। जितना वो कर सकती थी उसे खींचते हुए और उठाते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन्होंने कोशिश की। फिर दोनों ने हार मान ली। अचानक रोज रेड को एक तरकीब सूझी। बौना ऊपर नीचे उछलता रहा जब तक उसे ये दिख नहीं गया कि रोज रेड के हाथ में क्या है। नहीं रुको, तुम्हारे ख्याल से तुम क्या करने वाली हो? नहीं रुक जाओ, नहीं, मेरी बेशकीमती दाढ़ी। दोनों लड़कियों को बौने के इस व्यवहार से बहुत मजा आया। उन्होंने उसकी मदद की थी, फिर भी वो उनसे नाराज था। वो उन पर चिल्लाता रहा जब वो जंगल में दूर चलकर जा रहा था, उनकी मदद का धन्यवाद किए बिना। अगले दिन लड़कियों ने नदी के पास टहलने का निर्णय लिया। एक बार फिर उन्होंने सुना
वो चीखना और चिल्लाना उस बौने का जिससे वो मिली थी। दोनों बहनें एक बार फिर उसकी मदद के लिए दौड़ गईं। इस बार उसकी दाढ़ी एक मछली के मुंह में फंसी थी। ये मूर्ख मछली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुमने खुद को किस संकट में फंसा लिया? क्या तुम देख नहीं सकती कि ये भयानक मछली मुझे पानी में खींचना चाहती है? मेरी मदद करो। स्नो व्हाइट और रोज रेड ने फिर से उसकी मदद करने का फैसला किया। हम उससे नहीं जीत सकते, हम सब पानी में डूब जाएंगे। अब मैं तुम्हें और पकड़े नहीं रह सकती, मैं तुम्हारी दाढ़ी काटने वाली हूँ। क्यों 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 तुम मेरी दाढ़ी के पीछे पड़ी हो? मैं अपने दोस्तों को मुंह कैसे दिखाऊंगा? मूर्ख लड़कियाँ। दोनों बहनें इसका मजा ले रही थी और वो हंसने लगी, पर फिर उन्होंने सुना। अपने पीछे एक बड़ी सी चट्टान पर एक नौजवान जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके माथे पर एक जख्म था। हे, कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राजकुमार एडम हूँ। मैं अपने भाई जोसेफ को ढूंढ रहा हूँ। वो सर्दियों से ही गायब है। ओह, मैं स्नो व्हाइट हूँ और ये मेरी बहन रोज रेड है। क्या हम उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं? वो जवाहरात का थैला लेकर जंगल में टहलने के लिए गया था, पर रास्ते में ही वो गायब हो गया। मैंने अभी एक ऐसा जानवर देखा है जो जवाहरात का वैसा ही थैला उठाए हुए था, और जब मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की तो उसने मुझ पर एक मंत्र फूंका और मैं देख नहीं सका कि मैं कहां जा रहा था। मैं गिरा और मेरा सिर इस पत्थर पर लगा। मुझे ये जानकर अफसोस हुआ। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जब लड़कियों ने राजकुमार की सहायता करने का वादा किया तो उसे कुछ राहत मिली, पर उसी क्षण उन तीनों ने एक बहुत ही गरजती आवाज सुनी। ये उनके पीछे घने जंगल से आ रही थी। वो तीनों घोड़े पर सवार हो गए और उस चिल्लाहट की दिशा की ओर तेजी से दौड़े। उन्होंने उस बौने को गुफा से बाहर दौड़ते देखा जब उसके पीछे एक भालू लगा था। मुझे छोड़ दो, बचाओ! अरे, ये तो हमारा दोस्त भालू है, वो बौने के पीछे क्यों भाग रहा है? राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और बौने और भालू की तरफ बढ़ने लगा। तुम लड़कियाँ यहीं पर रुको। इसी जानवर को मैंने अपने भाई के जवाहरात वाले थैले के साथ देखा था। इसे इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। सावधान रहना। मुझे अकेला छोड़ दो, ये सारा खजाना जो तुम्हें चाहिए ले लो। देखो तुम्हारे जादू ने मुझे क्या बना डाला, मुझे बस जवाहरात ही नहीं चाहिए। ये मुझ पर छोड़ दो मेरे दोस्त, ये बौना मेरा है। बहुत हो गई ये बेवकूफी, अब मेरा असली रूप दिखाने का समय आ गया है। तुम सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? तुम सबको अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओ, ये क्या? जल्दी करो रोज, वो तलवार, मेरी तलवार फेंको। ये इसकी दाढ़ी ही है, इसकी दाढ़ी काट डालो, यही इसकी सारी शक्ति है, अभी करो जल्दी। जब बौने ने अपना दानवी रूप इख्तियार कर लिया, स्नो व्हाइट उनकी तरफ अपनी कैंची लेकर दौड़ी और रोज रेड तलवार लेकर। तुम बेवकूफ लड़की, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, नहीं, राजकुमार ये लो। नहीं। राजकुमार एडम ने अचूक निशाने से अपनी तलवार फेंकी और इसने पूरी तरह बौने की दाढ़ी काट डाली। उसके चेहरे से कटकर दाढ़ी जमीन पर गिर गई और वो आकार में सिकुड़ने लगा। अचानक वो भालू एक खूबसूरत राजकुमार में बदल गया। वो था राजकुमार जोसेफ, जो राजकुमार एडम का भाई था। राजकुमार एडम ने अपने भाई की ओर देखा, फिर उसकी तरफ दौड़ा उसे देर तक गले लगाने के लिए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरे भाई, तुम्हें देखे हुए काफी अरसा हो गया था। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई भाई। इस दुष्ट बौने ने मेरे जवाहरात चुरा लिए थे और मुझ पर जादू कर दिया था। मैं स्नो और रेड का जितना धन्यवाद कर सकूं करूंगा, इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। राजकुमार जोसेफ ने उस दयालुता की बात की जो इन बहनों ने की थी।
यही राजकुमार एडम ने भी किया। उन दोनों को उन बहनों से प्रेम हो गया था और वैसे ही बहनों को भी उनसे प्रेम हो गया था। एक विवाह जो उस राज्य में सबसे विशाल था। स्नो व्हाइट ने राजकुमार एडम से विवाह किया और रोज रेड ने राजकुमार जोसेफ से। अब स्नो व्हाइट और रोज रेड, जो पहले भालू से डरती थीं, अब उन्होंने भालू के रूप से आगे देखा। ये हमें बताता है कि किसी का सही स्वभाव उनके हृदय से जाना जाता है और उदारता और प्रेम जादू का शाप तोड़ सकती है जो शायद संसार आप पर डाले।